हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज है संडे और आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक विषय के। हर संडे को मैं आपके लिए लेके आता हूँ आध्यात्म का विषय और आज हम बात करेंगे कि शिवजी का जल से क्या संबंध है। आपने जहाँ देखे होंगे, जहाँ शिवजी के मंदिर हैं, जहाँ शिवजी के शिवलिंग हैं, वहाँ जल का अवश्य कोई न कोई महत्व होगा, वहाँ जल का कोई न कोई धाराएँ जरूर होगी। तो ऐसा क्या संबंध है, ऐसी क्या रहस्य है शिवजी का जल से, ऐसी कुछ रोचक बातें, ऐसे कुछ रहस्य मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। नंबर वन, विष्णु जी भगवान जल में विराजते हैं, लेकिन जल का अभिषेक शिवजी का होता है ना, कितनी रोचक की बात। जल के अंदर तो विष्णु जी रहते हैं, लेकिन अभिषेक शिवजी का होता है। सेकंड, श्रावण मास। पूरे श्रावण मास में आपने देखा होगा, बारिश के मौसम में, पूरे श्रावण मास में बारिश होती है और ये महीना शिवजी का कितना प्रिय है। इस महीने में शिवजी के कितने अनुष्ठान होते हैं और कितने व्रत और त्यौहार आते हैं शिवजी के, ये महीना शिवजी को बहुत ही प्रिय है। थर्ड, शिवलिंग। अधिकतर शिवलिंग आपने देखे होंगे, जहाँ पे भी आपने गए होंगे अधिकतर शिवलिंग देखे होंगे, वो पानी में ही डूबे रहते हैं और अधिकतर शिवलिंग या तो पर्वतों में होंगे या फिर नदियों के पास में होंगे, है ना, कितनी रोचक की बात। फोर्थ, अमरनाथ। अमरनाथ शिवलिंग का निर्माण कैसे होता है आपको पता है दोस्तों? एक एक बूंद बूंद गिरती है और उस बूंद से फिर 6 महीने के बाद में उस शिवलिंग का निर्माण होता है। तो कितनी एक रोचक जानकारी है ये, देखिए कि अमरनाथ का निर्माण भी जल से ही होता है। फिफ्थ, शिवजी के मस्तक पर गंगा और चंद्रमा विराजमान है, ये भी एक जल का प्रतीक है। शिवजी के ऊपर आपने देखा होगा कि गंगा और चंद्रमा एनी टाइम हर वक्त शिवजी के सिर पर रहती है, तो ये भी एक जल का प्रतीक है। और सिक्स, समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक विष निकला था, हलाहल विष। अब सारे देव देवी देवताओं ने सोचा कि इस विष को कौन धारण करेगा, तो कौन, एक ही थे, बोले शिव, और सब ने शिव की आराधना की और शिव ने वो विष धारण किया। जब शिव ने वो विष धारण किया तो गले में अटक गया, गले में शिव जी ने उनको रोक लिया, तो अब उसको बहुत गर्मी हुई, तो जब उस गर्मी को ठंडक देने के लिए शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। तो ये भी एक रहस्य है कि शिव जी के गले को एक ठंडक प्रदान करने के लिए शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया जाए। सेवन, कई ऐसे मंदिर आपने देखे होंगे, बहुत सारे मंदिर जिनके शिवलिंग होते हैं वहाँ पे उनके ऊपर एक कलश होता है, बूंद 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 टपक टपक वो बूंद गिरती रहती है। क्यों? क्योंकि शिव जी के सिर के ऊपर गिरती रहती है तो शिव जी को ठंडक मिलती रहती है। लास्ट, एट, आपने शिव पुराण पढ़ी हो तो शिव पुराण में एक बात लिखी है कि शिव ही जल है, जल ही शिव है। इसी के साथ आ जाएं, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।